बरेली में ये स्थान है कुहाड़ा पीर का। कुहाड़ा पीर क्षेत्र में जो थाना प्रेम नगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ सिविल डिफेंस वाले यहाँ सब एकत्रित हैं और सिविल डिफेंस का लगातार निरंतर शहर में शहरवासियों के लिए जागृति अभियान आरंभ है। जैसे कोरोना की लहर पहली आई थी उसमें किया, दूसरी आई उसमें किया, तीसरी जो लहर खतरनाक लहर बताते हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक है और बच्चों के संग संग एक नया और जो आई है ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस की जो बीमारी आ रही है तो उसमें अलग अलग नए तरीके से डॉक्टरों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ब्लैक फंगस इस तरीके से हो सकती है, ब्लैक फंगस उस तरीके से हो सकती है। और उसी बात को लेकर के सिविल डिफेंस अपनी परवाह ना करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए शहर में जगह जगह जा कर के निरंतर ये अपनी योजनाएं चला रही है। और ये जो सिविल डिफेंस के लोग हैं सभी शहर के, और साथ में जो आज शाहबाद क्षेत्र का ये है, आइए बात करते हैं गीता जी से हम। तो गीता जी बताएंगे आज आप लोगों का क्या प्रोग्राम है और क्या संदेश देना चाहते हैं। ये हमारा प्रोग्राम कोरोना के से बचाव के लिए है। लगातार हमारी सिविल डिफेंस बरेली के विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम जागरूकता रैली के लिए निकाला जा रहा है, जिससे कि लोग अवेयरनेस हो और जागृत हों कि अभी भी कोरोना एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम टाल सकें और बिना समझे, इसको जानना है, इसके बारे में पहचानना है और दूरी बना के रखना है। आदमी अभी भी निडर होकर के घूम रहा है, जिसके लिए हमारी पूरी सिविल डिफेंस बरेली लगातार ये कार्य कर रही है, लोगों को जागृत कर रही है कि इनके बचाव को पहचाने और जाने। और एक चीज़ और बताइए, आप लोग इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, जैसे सरकार कह रही है लॉकडाउन है, 6 बजे सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी, तो लेकिन ये स्थिति जिस तरीके से यहाँ देख रही है, लोग आज रहे हैं जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कुहाड़ा पीर का क्षेत्र है, इस समय सब तरफ लोग खड़े हुए हैं, आना जाना हो रहा है, तो इसके विषय में क्या कहेंगी आप? लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस बीमारी का क्या दुष्प्रभाव है, और लगातार ही बरेली छोड़ पूरे प्रदेश पूरे देश और में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। हम अपने ओं को खो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे हैं, और ये इंसानों की एक निडरता है जो नहीं पहचान पा रहे हैं कि कोरोना कितनी भयानक बीमारी है। चाह करके भी हम लोग इसीलिए इन लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ये लोग आकर समझें कि बीमारी है और इसमें दूरी बना करके रखें और प्रयास करें कि हम अपने को और दूसरों के जीवनों को बचा सकें। तो आपने जाना, ये थी गीता जी, गीता शर्मा जी, और आप देख रहे हैं लगातार सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि भाई कम घर से निकलें और ज़्यादातर घरों में रहें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टायर की दुकान है, जो कहते हैं लॉकडाउन में टायर की दुकान भी खुली हुई है, और जैसा सुनवाई में आ रहा है कि हर तरीके की ज़्यादातर दुकानें खुलती हैं। यहाँ किला, ये जो प्रेम नगर का क्षेत्र है, प्रेम नगर थाना प्रेम नगर क्षेत्र में हूँ मैं, और यहाँ लोगों का निरंतर आना जाना आना बना हुआ है, इसी प्रयास को कि लोगों में क्षति कम हो। और सरकार भी मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सबको बता रही है, लेकिन पब्लिक है जो जग रही ती है लेकिन सो जाती है, सही से जाग नहीं पाती है। जागो इंडिया जागो, जागो इंडिया जागो, इस मुहिम को लेकर के सिविल डिफेंस अपना काम कर रहा है। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक टंडन, अपने चैनल आप बीती जग बीती के लिए। हाथों को सैनिटाइज करें, हम जाए